मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपने में भगवान दिखाई दे तो क्या होता है। सबसे पहले तो चलिए सपनों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सपने देखना बहुत साधारण सी बात है। आप में से लगभग सभी लोगों को सपने आते होंगे, किसी को कम तो किसी को अधिक। कुछ लोगों को लगातार एक फिल्म की तरह सपने दिखाई देते हैं। तीन प्रकार के लोगों को सपने बहुत अधिक आते हैं। एक तो वो जो बहुत बीमार रहते हैं, दूसरे वो जिनके हथेली की रेखाएं बहुत आड़ी तिरछी या जिनकी हथेली में बहुत अधिक रेखाएं हैं, और तीसरे वो जो बहुत अधिक सोचते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें भी बहुत जल्दी आहत कर जाती हैं, या जो बहुत भावुक होते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के सपने सच होते हैं। यदि हम रात को तीन भागों में बांटें, तो 10 बजे से 12 बजे तक के बीच जो सपना आता है उसका कोई अर्थ हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि इस समय आप नींद के पहले पड़ाव पर ही होते हैं। हो सकता है जो कार्य आप करके सोए हों या जैसा आपका दिन रहा हो उससे संबंधित सपना आपको इस समय में आए, परंतु 12 से 3 के बीच जो स्वप्न होता है वो आपके लिए एक सूचक हो सकता है। ऐसे स्वप्न देखते समय आप नींद में बहुत ही अजीब या व्याकुल अनुभव करेंगे, और 3 से 6 बजे के बीच देखा गया स्वप्न का पूरा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस समय आप सपना देख रहे हैं उस समय वही या कुछ वैसी ही घटना आपके आसपास या आपके निकट के लोगों के साथ घटित हो रही होती है। यदि सूर्योदय के समय आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वह स्वप्न आपके उठने के पश्चात दिन में किसी भी समय पूरा हो सकता है। तो यह तो था कि किस समय के सपने का क्या प्रभाव होता है। अधिकांश लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि किस प्रकार के लोगों के स्वप्न सच होते हैं। तो दर्शकों, जिन व्यक्तियों का हृदय साफ होता है या जिनके मन में छल कपट नहीं होता, या जो लोग बहुत सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं और जो दूसरों के कष्टों को समझते हैं, ऐसे लोगों के स्वप्न प्रायः सच हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में घटित होने वाली बहुत सी घटनाएं स्वप्न में ही देख लेते हैं। उदाहरण के लिए राजा शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता और शाक्य वंश के राजा थे, एक बार उन्होंने स्वप्न में 7 दृश्य देखे जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित थे। स्वप्न से ही उन्हें संकेत मिल गए थे कि उनका पुत्र बहुत बड़ा साधु बनेगा और पूरे विश्व में विख्यात होगा। ऐसा होने से रोकने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे। तो दर्शकों, ये तो बात थी कि किस प्रकार के लोगों के सपने और किस समय में देखे गए सपने सच होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप भगवान या देवी देवताओं को सपने में देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्नों का विशेष महत्व होता है। कहीं ना कहीं ये स्वप्न आपके भविष्य के विषय में संकेत दे रहे होते हैं। इसी प्रकार जब आप देवी देवताओं या भगवान को सपने में देखते हैं तो इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। मित्रों, भगवान या देवी देवताओं के सपने अक्सर तभी आते हैं जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या आप में भक्तिभाव तो है परंतु व्यस्तता या किन्हीं और कारणों से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, या आपके मन में बहुत समय से किसी तीर्थस्थल जाने की इच्छा है परंतु संभव नहीं हो पा रहा। तो आइए जानते हैं विभिन्न देवताओं को सपने में देखने का क्या अर्थ है। भगवान विष्णु, यदि आप भगवान विष्णु को सपने में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भाग्य का उदय होने वाला है। आपके जीवन में जो भी कष्ट है जल्दी ही उनका निवारण होने वाला है। भगवान विष्णु को सपने में देखना सुख और समृद्धि का संकेत है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना बहुत शुभ माना जाता है। ये प्रतिष्ठा, धन धान्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना इस बात का भी संकेत है कि आपको व्यवसाय में लाभ होने वाला है। भगवान राम का स्वप्न में देखना भविष्य में जल्दी ही मिलने वाली बड़ी सफलता का संकेत है। माँ सीता, यदि आपने सीता जी को सपने में देखा है तो इसका अर्थ है कि जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। भगवान कृष्ण को स्वप्न में देखने का अर्थ है कि आपके प्रेम संबंध सफलता की ओर अग्रसर हैं। राधा जी, यदि आपके सपने में राधा जी आई हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में आनंद का आगमन होने वाला है। महादेव शिव, यदि आपके स्वप्न में शिव जी प्रकट हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप भक्ति मार्ग पर उन्नति कर रहे हैं। साथ ही शिव जी को स्वप्न में देखना जीवन में पापों और विपत्तियों के नाश का भी संकेत है।
हनुमान जी, यदि हनुमान जी आपके स्वप्न में आते हैं तो समझ जाइए कि आप भय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही यह शत्रुओं के नाश का भी सूचक है। देवी दुर्गा, स्वप्न में माँ दुर्गा का आना शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का स्वप्न रोगों के विनाश का भी सूचक होता है। ब्रह्मा जी के स्वप्न का अर्थ है कि आपके जीवन में प्रसन्नता का आगमन निश्चित है। गणेश जी का स्वप्न में आना इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में रुके हुए सभी कार्य अब जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं। माँ सरस्वती जी को स्वप्न में देखने का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जल्दी ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। यमराज का स्वप्न में प्रकट होना आपकी लंबी आयु का प्रतीक है। और इसी के साथ समाप्त होती है यह जानकारी। यदि आपको भी साधारण स्वप्नों या भगवान के सपनों के विषय में कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।